तो इधर जल जीवन मिशन के तहत एमसीबी जिले के ग्राम पंचायत जैनपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली जल प्रदायु योजना विस्तार हेतु क्षेत्र की विधायक रेणुका सिंह द्वारा भूमि पूजन किया गया। इस दौरान लोक स्वास्थ्य यंत्रिका की विभाग के अधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की नल जल योजना अंतर्गत महेंद्रगढ़ के जैनपुर में स्थापित होने वाले समूह जल प्रदायु योजना के लिए लगभग 28 करोड़ स्वीकृति है। इसके लिए जल प्रदायु से लगभग 25 गांव के लोग लाभान्वित होंगे। जल प्रदायु योजना के संबंध में बताया जा रहा है कि पानी का स्रोत हसदेव नदी मनेन्द्रगढ़ एनिकट से किया जाएगा। लोगों के घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम 2025 तक कर दिया जाएगा। चैनपुर समूह जल प्रदाय योजना जिसकी लागत लगभग 28 करोड़ रुपए है, इसमें हसदेव नदी में एनिकट बनाकर पानी लाया जाएगा। 25 गांव के लोगों को इसके माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाएगी। भूमि पूजन आज किया गया और लगभग एक साल में यानी फरवरी 2025 तक इस काम को पूरा करने की अवधि है। देखिए, क्षेत्र और प्रदेश नहीं बल्कि देश के वो हर परिवार, वो हर घर जहाँ तक पानी नहीं पहुँचा था, 2019 में जल मंत्रालय बनाकर इसकी शुरुआत हुई। 2024 तक पूरा करने की बात हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम थोड़ा अधूरा।